दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे, जैसे आप पूछ रहे हो सर वीकली ऑफ मिलता है कि नहीं, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम पे प्राइवेट पार्ट चेक होगा कि नहीं, और वीकली ऑफ क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले ये ज्वाइनिंग टाइम जो है मेडिकल वो होगा तो नॉर्मल मेडिकल होगा, मैंने बार बार कहा है आपसे, ठीक है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होगा मेडिकल, ठीक है। और प्राइवेट पार्ट हमारा तो नहीं हुआ था आरटीसी बड़वा में, ठीक है, लेकिन कहीं पे हो भी सकता है, ये डॉक्टर के मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, क्योंकि अभी आपका मेडिकल हुआ है और ज्वाइनिंग तो तुरंत आ गया, और हमारा ज्वाइनिंग जो है लगभग 1.5 साल बाद आया था मेडिकल के, समझ रहे हो, बहुत दिन बाद आया था, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हो सकता है आपका बिल्कुल किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ना हो, ठीक है, और हो सकता है किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ही ज़रूरत नहीं है उसमें। अब आते हैं वीकली ऑफ मिलता है कि नहीं सीआईएसएफ में। देखो, बाकी फोर्सेस के तुलना में सीआईएसएफ में वीकली ऑफ जो है वो नहीं मिलता है, मतलब मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, ऑफिशियली हमेशा नहीं मिल पाता है सारे यूनिट में, क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से किसी किसी यूनिट में होता है जो सालों भर मिलता है, किसी किसी यूनिट में जो है वो सालों भर भी बहुत कम मिलता है, जैसे 5-10 बस इतना बहुत है। तो उसके एवज में सीआईएसएफ में क्या होता है, 13 महीने की सैलरी मिलती है। जैसे देखो, अभी मान लो कि अगर मान लो जैसे अभी सितंबर चल रहा है, पूरे सितंबर में वीकली ऑफ मुझे एक भी नहीं मिला मान लो, ठीक है, और संडे या मेरा जो वीकली ऑफ दिन है वो सैटरडे है, अभी मेरा शायद नहीं शुक्रवार है, तो शुक्रवार जो है वो 4 अगर पड़ा है बीच में और चारों दिन हम ड्यूटी किए, तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, 4 दिन का एक बेसिक मिलेगा एक दिन का, तो उस हिसाब से 4 दिन का 4 दिन का बेसिक और उस पर 4 दिन का डीए, तो इस तरह करके पूरे साल का मैक्सिमम 30 दिन का मिलता है, ठीक है। मतलब आपको अगर छुट्टी नहीं मिलता है, वीकली ऑफ नहीं मिलता है पूरे साल में, तो आपको 30 दिन का पेमेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन पूरे साल का नहीं, ये मिनिमम 30 का होना चाहिए। जैसे मेरा अभी जो है वो 30 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो मुझे जो मिलना था वो मिल गया पैसा, या मिल जाएगा इस महीने, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मिलना था 13 महीने की सैलरी वाली, ठीक है। अब जो आएगा, मान लो वीकली ऑफ मिले ना मिले, वो मेरा वेस्ट जाएगा, क्योंकि देखो वीकली ऑफ एक साल में लगभग 52 होता है, ठीक है, अब 52 तो आपको मिलेगा नहीं सीएसएफ में, कम से कम 30 का तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है, बाकियों का पैसा नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि वीकली ऑफ हर एक यूनिट में नहीं मिलता, जैसे कुछ यूनिट में है जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे वीकली ऑफ बहुत कम मिलता है, रेयर ही मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिस जोन में हूँ मैं, उसी जोन में कुछ जगह यूनिट है जहाँ पे वीकली ऑफ जो है वो हमेशा मिलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अब ताजमहल, तो ताजमहल शायद शुक्रवार को बंद रहता है एग्जैक्टली, मुझे, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो शुक्रवार को बंद रहता है, ठीक है, तो शुक्रवार को स्ट्रेंथ कम लगता है ड्यूटी पे, तो उस हिसाब से शुक्रवार को वीकली ऑफ दे देते हैं, क्यों, ताकि बाकी दिन जो है वो उनसे ड्यूटी ले सकें और वीकली ऑफ के दिन मतलब रेस्ट के दिन रेस्ट दे देते हैं। अभी ये सारे यूनिट में पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके एवज में या डिपार्टमेंट जो है वो इसके एवज में देती है 13 महीने की सैलरी, मतलब 1 महीने का बेसिक और डीए एक्स्ट्रा देती है, ठीक है। अभी फिर भी कोई इशू रह जाए तो हमें ज़रूर लिखिएगा, और मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वीकली ऑफ का क्या फ़ायदा नुकसान है, ठीक है, फ़ायदा ही है, मतलब फ़ायदा तो नहीं है, जैसे 30 बाकी फोर्सेस में क्या होता है, 30 दिन के एक्स्ट्रा उनको लीव भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, और हम यहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, लेकिन पैसा मिलता है सिर्फ 30 दिन का, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है इसमें, हर एक समय फ़ायदा नुकसान नहीं देखते कभी कभी, ठीक है। पहली बात तो ये, आप इसमें आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो, लिख सकते हो कमेंट के माध्यम से, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।